खबर बांदा जनपद से है, जहां बाबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर नगर पंचायत के द्वारा बनाई गई सुलभ शौचालय का जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहीं पाई गई कमियों को सही करने के निर्देश दिए। बाबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नगर पंचायत के द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण लगभग 42 लाख का निर्माण कराया गया था, जिसमें सुलभ शौचालय पर कमियों का भंडार मिला, जिसमें न ही सुलभ शौचालय पर कोई पेंटिंग मिली, न ही कहीं नगर पंचायत के द्वारा शौचालय का नाम लिखा हुआ मिला। वहीं समरसेबल भी बिगड़ा था, इसमें प्राइवेट लोगों के द्वारा समरसेबल डालकर अपना प्रयोग कर रहे। एक तरफ केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगर पंचायत में कार्य किए जा रहे, लेकिन बबेरू नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई के नाम पर जीरो साबित हो रहे। कस्बों की नालियां नाले में कीचड़ बजबजा रहा है, जिससे आए दिन लोग बीमार पड़ रहे और साफ सफाई न होने के कारण मच्छर लगने की वजह से लोग और बीमार पड़ रहे, जिसमें निरीक्षण करने आए जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन अभिषेक खरे के द्वारा सुलभ शौचालय में पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देशित किया है। इस मौके पर सफाई कर्मचारी सरिता देवी हरिओम, नवीन श्रीवास्तव व सफाई नायक छेदीलाल मौजूद न होने के कारण उसका पुत्र निरीक्षण के समय मौजूद रहा। का निरीक्षण था सुलभ शौचालय का, ये सब सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों के संबंध में शौचालय का निरीक्षण करने आया था। ODF डबल प्लस में आपके नगर पंचायत बबेरू ने प्रतिभाग किया है, इसमें 15 मार्च के बाद जो है टीमें आकर इसका निरीक्षण करेंगी भारत सरकार की, उसी संबंध में दिशा निर्देश।